ओम शांति। सभी अपने मन को एकाग्र करते हुए ले चलेंगे संपूर्ण प्रकृति को शक्तियों का दान देने। सभी अनुभव करेंगे मैं फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब पर स्थित हूँ। मैं पूर्व आत्मा हूँ। मेरे सम्मुख प्रकृति के पांचों महातत्व खड़े हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सभी महसूस करें मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें निकल निकल कर आकाश तत्व तक जा रही हैं। आकाश की हलचल समाप्त हो रही है। यह शक्तियों की किरणें आकाश तत्व को शांत कर रही है। यह तत्व अपना काम बहुत ही शांति से कर रहे हैं। आकाश तत्व का मार्ग विघ्नों से मुक्त होता जा रहा है। अब हम सभी अग्नि तत्व को अपने सम्मुख इमर्स करते हुए देखेंगे। मुझ फरिश्ते से गोल्डन प्रकाश की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। यह गोल्डन किरणें मुझसे निकलकर अग्नि तत्व तक जा रही है। जिससे उसकी ज्वाला शांत होती जा रही है। यह अग्नि तत्व शीतल हो रहा है। वह मैं आत्मा इस तत्व को भी अपने अधीन कर रही हूँ। अब हम सभी वायु तत्व को इमर्स करें और देखें यह लहराती हुई वायु मेरे सामने है। ये मधुर हवा मुझे आत्मा को टच कर रही है। यह मुझ फरिश्ते को टच करते ही शुद्ध बनती जा रही है। मुझ आत्मा की लाइट माइट की किरणें वायु तत्व के वेग को शांत कर रहे हैं। वाह मैं आत्मा वायु तत्व पर भी विजय प्राप्त कर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता जल तत्व को इमर्स करती हूँ। सभी अनुभव करें। मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा गहरे सागर में हूँ। सभी देखें जल तत्व को शुद्ध करने के लिए मैं आत्मा पवित्रता की किरणें प्रवाहित कर रही हूँ। यह जल तत्व भी सतो प्रधान स्वच्छ हो रहा है। मुझसे पवित्रता की शक्ति निकल कर महासागर और दूर दूर तक बहती हुई नदियों तक प्रवाहित हो रही है। वाह, मैं आत्मा जल तत्व को भी अपना सहयोगी बना रही हूँ। अब सभी अपने समक्ष पृथ्वी तत्व को अपने समक्ष इमर्स करें और अनुभव करें। इस तत्व को मेरे नयनों से पवित्रता की किरणें निकलते हुए समस्त धरती पर पावन सकाश दे रही है। सातों ही महाखंड पवित्र निर्मल हो रहा है। अब हम सभी मिलकर ब्रह्मांड के हर एक ग्रह व नक्षत्र को देखेंगे, महसूस करें। मैं आत्मा ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण तारामंडल को शीतलता की किरणें प्रदान कर रही हूँ। सौर मंडल के सारे ग्रह नक्षत्र सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। हर एक ग्रह खुशनुमा स्वरूप में स्थित हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति का वातावरण छा गया है। वाह, कितनी शांति है। सारे ब्रह्मांड की हलचल समाप्त हो चुकी है। संपूर्ण पृथ्वी पर शांति ही शांति है। स्वयं को अनुभव करें। मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ और देखें कि यह वही प्रकृति है जिसने मेरी जन्म जन्मांतर तक सेवाएं की हैं। और अंत विनाश काल में भी मेरा साथ निभाया। अब मुझ आत्मा को भी इसी तरह रोज इस प्रकृति को सकाश देना है। प्रकृति की पालना करनी है। महसूस करें मुझसे निकली प्रकाश की किरणों से संपूर्ण वायुमंडल में लाइट माइट का दिव्य कार्ब बनता जा रहा है। यह संपूर्ण प्रगति सतोप्रधान शुद्ध हो रही है। अब चलो हम सब मिलकर योग रूपी सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। देखें, मुझ आत्मा के चारों तरफ प्रचंड योग अग्नि प्रज्वलित हो रही है। महसूस करें मुझ आत्मा के एक तरफ ज्ञान की अग्नि प्रकट हो रही है। ये प्रचंड ज्ञान की अग्नि मुझ आत्मा को ज्ञान से भरपूर कर रही है। ज्ञान की अविरल धारा मुझ में समा रही है। ज्ञान मुरली के हरेक पॉइंट्स मेरी आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। अब अपनी दूसरी ओर देखें। प्रेम की किरणें सर्व के प्रति मुझ आत्मा से निकलकर भरपूर मात्रा में पहुंच रही है। महसूस करें कि जैसे प्रेम के सागर शिव बाबा स्वयं मेरे सम्मुख हैं और मुझ आत्मा को शिव बाबा से प्रेम की किरणें प्राप्त हो रही हैं। इस प्रेम की अग्नि में जो भी समा जाए वह तो प्रभु प्रेम से भरपूर हो जाए। अब हम सभी शिव बाबा के प्रति अपनी लगन की अग्नि को देखेंगे कि बस एक ही लगन है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे आत्मा को समस्त विश्व का नव निर्माण करना है। मुझे अथक सेवाधारी बनना है। बस यही लगन लगी हुई है। अब हम सभी पवित्रता की अग्नि को देखेंगे। मुझ आत्मा के चारों तरफ पवित्रता का रक्षा कवच है। अनुभव करें। ये पवित्रता की अग्नि मुझ में असीम शक्तियाँ भर रही हैं। मेरे मनसा वाचा कर्मणा में अखंड पवित्रता की शक्ति धारण हो रही है। अब स्वयं को तपस्या की अग्नि को अनुभव कराएं और देखें मुझ आत्मा की तपस्या साधना के रूप में पूरे विश्व में प्रख्यात हो रही है। मैं राज ऋषि तपस्वी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सितारा ही परमात्मा शिव बाबा की प्रत्यक्षता करने वाली हूँ। वाह, मैं आत्मा कितनी धन्य हूँ जो परमात्मा ने मुझे संपूर्ण विश्व को परिवर्तन करने के लिए चुना है। मैं आत्मा शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ।